पीएम की परीक्षा पे चर्चा, और हमारे साथ कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने मंच का संचालन भी किया, लोगों के सवाल प्रधानमंत्री तक पहुंचाए, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम और परिचय बता दीजिए कहाँ से। मेरा नाम आशीष कुमार वर्मा है, मैं केंद्रीय विद्यालय राष्ट्रपति भवन में पढ़ता हूँ, क्लास 11th। बहुत सहजता से सवाल पूछ रहे थे, उसके लिए प्रैक्टिस कितनी? प्रैक्टिस तो बहुत की थी, कल रात को हम 12 बजे तक जगे थे, और हम ही नहीं हमारे टीचर्स ने भी बहुत हमें तैयारी करवाया था। रात के 12 बजे तक वो बैठ के स्क्रिप्ट लिख रहे थे, हम उन्हें डट रहे थे, और यहाँ तक कि टीचर्स ही नहीं, हमारी कमिश्नर मैम भी हमें बहुत अच्छे से कर रही थी। कमिश्नर मैम कल रात तक हमारे साथ बैठी, हमारा जो प्रैक्टिस था बहुत अच्छे से कराया, कमिश्नर मैम यही है। अच्छा, और जो बातें कही उसमें सबसे ज़्यादा कुछ अगर बातें हैं जो प्रभावित आपको कर पाई, तो कौन सी बातें? तो सबसे पहली प्रभावित बात ये होगी कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि जो परीक्षा, जैसे स्टूडेंट्स को अपना दबाव, जो हर जगह से दबाव आता है, उस दबाव में दबना नहीं है, पर ये रखना है कि हाँ हमें अप टू द मार्क, मतलब जो हमारी कैपेसिटी है उससे ऊपर परफॉर्म करना है। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, आपसे समझना चाहते हैं, आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली कौन सी चीज लगी जो प्रधानमंत्री ने कही, और मंच का संचालन भी बखूबी किया? धन्यवाद। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी जब पीएम ने कहा कि हमें टेक्नोलॉजी से अपनी दोस्ती तो बनानी चाहिए, साथ में एक ऐसा दिन रखना चाहिए जिसमें हम उसका उपयोग ना करें, ताकि फास्टिंग टेक्नोलॉजी ताकि हम अपने अनुभव को और अच्छे से जी पाए, हमारे जिंदगी को हर एक पल को बहुत अच्छे से जी पाए, अच्छी अच्छी बातें सीख सके, वो बहुत अच्छी। ये गहरा प्रभाव लगा कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं उसे दूर थोड़ा सा रहना चाहिए, टेक्नोलॉजी फास्टिंग करनी चाहिए। आपसे भी समझना चाहते हैं, नाम अपना बता दीजिए। मेरा नाम सौम्य तिवारी है, मैं JNV रुद्रप्रयाग उत्तराखंड की क्लास 11 का स्टूडेंट। अच्छा, आप ये समझना चाह रहे हैं कि प्रभावित करने वाली तो तमाम बातें थी, कुछ एक अगर बात बताएं प्रधानमंत्री की जो आपको लगा हो कि ये मुझे अमल करना चाहिए। सर, जैसे प्राइम मिनिस्टर सर ने कहा कि हमें घर में एक कोना बनाना है जो नो टेक्नोलॉजी जोन होगा, सर वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, सर मैं इस पे जरूर अमल करूंगा, अमल करेंगे। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ब्रह्मचारी मयूर मिश्रा और मैं इम्फाल से हूँ, क्लास 11 साइंस स्ट्रीम में। अच्छा, बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं आप, धन्यवाद। जी, ये भी समझना चाह रहे हैं कि आप अगर कुछ एक शब्द अगर बताएं या वाक्य बताएं जो प्रधानमंत्री की बहुत आपको लगी हो कि उसको अमल में लाना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें अपनी डिजिटल लाइफ से थोड़ा सा फास्टिंग जैसा रखना चाहिए, वो वाली मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम जब एग्जाम के दिन होते हैं ना तो हम वही करते हैं। अच्छा, और ये कितनी मेहनत थी इसके पीछे, सहज भाव से जो आप बोल पा रही थी? हमारे इस जैसे कि हमारे सफलता के पीछे तो हमारे गुरुओं का ही हाथ है। और कितनी मेहनत की होगी, कितने दिन की मेहनत रही होगी? हमने तो पूरे 10 से ज्यादा की मेहनत की, और जो इस दिन से पहले के दिन हम पूरे 12 घंटे जैसे कि रात के 12 बजे तक यहाँ पर रुके, और हम सब टीम बहुत साथ में थे, टीम वर्क। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अक्षता शरवत है और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय गाजियाबाद में कक्षा 10 की छात्रा हूँ। आप बताइए कि जो प्रभावित करने वाली चीज थी, किसी ने कहा कि एक जोन ऐसा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से दूरी थोड़ी सी बनाई जाए, आपको कौन सी प्रभावित करने? मुझे सबसे अच्छी बात लगी जब क्वेश्चन पूछा गया जो हमारा क्रिटिसिज्म है उसे हैंडल कैसे करें, तो सर ने कहा ताने मारने में और आलोचना में बहुत डिफरेंस होता है, तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू टेक इट फ्रॉम योर पेरेंट्स रादर देन कि आपको टोकना जाए, आपको पोक किया जाए, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।